Bismillahirrahmanirrahim. Hey, it's Mubeen nas I am from MK Preparations and today we're going to discuss about the uh, invertebrates comparison. So the points that uh, we will discuss about uh, in this topic includes the characteristics, classification, form and function of uh, all the invertebrate phylums. And the material coded in these slides have been taken from different books. Like uh, the source books include the FSC Biology, PTB, Punjab uh, textbook, and uh, Federal Biology, Balochistan Biology, Sindh Biology, and KPK Biology. And this topic, the invertebrates or the phylums, these are very, very much important for the preparation of different exams. इसको आप डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिकली इसमें जो मटेरियल लिया गया है वो एफ के बच्चों के लिए है और इसमें ये सब बुक्स जो हैं वो शामिल हैं जैसे कि हमारे पास पंजाब की टेक्स्ट बुक है फेडरल बायोलॉजी है बलूचिस्तान बायोलॉजी है सिंध बायोलॉजी है के पी के बायोलॉजी है एंड स्पेसिफिकली फॉर द एफ एस सी स्टूडेंट्स द मटीरियल हैजन फ्राम द एफ एस सी बायोलॉजी बुक्स तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए वो एग्ज़ाम्स जो कि आप एफ एस सी करने के बाद फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज तो आप एग्जाम्स अटैम्प्ट कर रहे होते हैं जैसे कि एम डी कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट नम्स का टेस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो टेस्ट आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए देते हैं उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस यानी ए एफ एन एस का टेस्ट है तो प्लस आप इन सब से हट के डिफरेंट अलाइड अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन के लिए जो एफ के बाद एडमिशन टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उन सब में जो टेस्ट जो बायोलॉजी का पोर्शन है स्पेसिफिकली वो आपके इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट फाइलम्स में से होता है ठीक है तो इस वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट फाइलम्स को कंपेयर करेंगे

जैसे कि पंजाब की टेक्स्ट बुक है या फेडरल की है बलोचिस्तान की है तो इन सब में पॉइंट्स जो तो डिस्कस किए होते हैं फॉर द फाइलम्स वो ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं होते ठीक है तो हमने जो है वो मैक्सिमम कोशिश की है कि इन सब बुक्स में से जो पॉइंट्स जो तो हैं वो सारे कलेक्टिवली हम सभी पॉइंट्स को आपकी इस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर सकें ठीक है और इन स्लाइड्स में सारा मटेरियल जो है वो इन बुक से स्पेसिफिकली लिया गया है तो आप इनको जो है वो एफ एस सी का एग्ज़ाम देने के बाद डिफरेंट मेडिकल की फील्ड्स में लाइक एम डी कैट नम्स ए एफ एन एस या फिर जो है वो आप टेस्ट दे रहे होते हैं डी वी एम के लिए डॉक्टर ऑफ वेडरीनरी एंड मेडिसन और फार्मेसी में एडमिशन के लिए डी पी टी में एडमिशन के लिए तो ये सब जो है वो आपकी मेडिकल की फील्ड्स हैं और अलाइड हेल्थ साइंस की फील्ड्स हैं और जो है वो इन सब उसके लिए जो है वो आप इन स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं दीज आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो द कंटेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन योर स्लाइड्स इंक्लूड द जनरल इंट्रोडक्शन फाइलम पोरीफेरा फाइलम नाइडेरिया फाइलम प्लेटी हेलमिथिस फाइलम निमाटोडा एनिलेडा फाइलम मोलस्का फाइलम आर्थ्रोपोडा पायलम इकाइनोडर पायलम हेमिकोडा और इसके अलावा इसमें इन के लास्ट पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन गए हैं मोस्ट ऑफ द्वेश्चन फ्रॉम है तो आपको इन सब मटेरियल्स पे स्पेसिफिकली फोकस करना है एज वेल एज आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एफ पी एस सी डिफरेंट कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिप्रेशन के लिए यानी एफ पी एस सी इसके अलावा पी पी एस सी पी पी एस सी एस पी एस सी और बलुचिस्तान बी पी एस सी सिंध और एस पी एस सी ये आपके कम्पटिटिव एग्जाम्स हैं जो आप जो है वो अपनी जॉब को अटेन करने के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए या मेडिकल कॉलेज में अलाइड हेल्थ साइंसिस में एडमिशन के लिए आप इन सब कंटेंट्स को और इस वीडियो को अगर देख लें तो होपफुली आपके कलेक्टिवली uh, सारी जो बुक्स पहले मैंशन की गई हैं उनमें से किसी को भी आपको रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती इन सब स्लाइड्स में वो सारा मटेरियल जो है वो कोट कर दिया गया है स्पेसिफिकली फॉर यू डियर स्टूडेंट्स सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंपैरिजन ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइलम्स तो उससे पहले जो है हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे तो किंगडम एनिमेलिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज इसको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में पैराजोआ और यूमेटाजोआ ठीक है पैराजोआ जो है ये सिंपलेस्ट मोस्ट ऑर्गेनिजम है और इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती और पैराजोआ जो है इट इंक्लूड ओनली वन फाइलम फाइलम पोरी फेरा उसके बाद है हमारे पास यूमेटाजोआ यूमेटाजोआ जो है उनको सिमिट्री की बेस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है रेडियंस और बायोलेटेरिया जो रेडिएटा ग्रुप है उनमें सेंट्रल uh, एक्सिस से अगर कोई भी प्लेन गुजरता है तो बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है और अगर हम बाइलेट एरिया की बात करें तो सिंगल uh, जो पॉइंट है जो एक्सिस एक्सिस है सेंट्रल से पास प्लेन ऑफ डिवीजन अगर सेंट्रल uh, एक्सिस से गुजर रहा है तो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है बाई का मतलब भी होता है जी टू में डिवाइड करना ठीक है रेडिएटा जो है उसमें एक ही फाइलम आता है नाइडेरियंस फाइलम uh, नाइडेरिया और वायलट एरिया जो है इसको फर्दर सिलोम के प्रेजेंस और एबसेंस के बेस पे तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ए सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनमें सिलोम है ठीक है और इसमें एक ही फाइलम है फाइलम प्लेटी हेलमेंटिस जिनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं देन है सुडोसिलोमेट्स इनमें फॉल्स कैविटी होती है और सूडो का मतलब होता है जी फॉल्स और इसमें फाइलम नीमा है देन है सिलोमेटा और सिलोमेटा ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ट्रू सिलोम यानी बॉडी कैविटी एग्जिस्ट करती है ठीक है इनको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है प्रोटीरोस्टोम्स एंड ड्यूटिरोस्टोम ठीक है और ये इनकी जो डिवीजन है वो सिलोम की वजह से है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सिलोम प्रोटीरोस्टोमिया में जो है वो हमारे पास तीन फाइलम्स हैं फाइलम मोलस्का फाइलम एनिलेडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा और इसी तरीके से ड्यूटिरोस्टोम में भी हमारे पास जो है वो तीन फाइलम्स हैं इकनोडेटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा तो सबसे पहले जो है वो हम ग्रेड रेडिएटा और बाइलेट एरिया को कंपेयर करने जा रहे हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री जो रेडिएटा है उनमें रेडियल सिमिट्री है और बाइलेट एरिया में बाइलेट्रल ओके okay, उसके बाद अल्टरनेटिव नेम्स तो इनको दिए गए हैं जो रेडिएटा है उनको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है डाई मीन्स टू एंड ब्लास्टिक मीन्स लेयर्स इनके पास दो लेयर्स होती हैं ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फिर हमारे पास जो बायलेट एरिया है वो ट्रिप्लो है ट्रिप्लो मीन्स थ्री एंड ब्लास्टिक मीन्स लेयर्स इनमें तीन लेयर्स होती हैं एक्टो एक्टोमीजो और एंडोडर्म ठीक है बॉडी साइड्स की बात करें तो रेडियंस में कोई बॉडी साइड्स नहीं है बाइलेट में बॉडी साइड्स हैं राइट और लेफ्ट ठीक है और इसके अलावा बॉडी एंड्स जो हैं वो रेडियंस में रेडिएटा में नहीं है लेकिन बाइलेटेरिया में जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स हैं एंटीरियर को हम सिफेलिक और पोस्टीरियर को हम कॉर्डल एंड्स कहते हैं ठीक है सर्फेसिस जो है? है वो रेडिएटा में नहीं है बट बाइलेट में

कोई भी प्लेन हो और वो सेंट्रल एक्सिस से पास ऑन हो रहा है तो बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है देन हमारे पास बायलेटेरिया में एक सिंगल प्लेन जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजरता है बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये हमारे पास एक फ्लैट वर्म है प्लेनेरिया ओके ना वायर गोइंग टू कंपेयर द दर्गेजम ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम सो ए सिलोमेटा वो है जिनमें सिलोम एबसेंट है और सुडोसिलोमेट्स में फॉल्स सिलोम है और सिलोमेट्स में ट्रू सिलोम प्रेजेंट है देन है है लाइनिंग ऑफ द द बॉडी कैविटी बाय में कोई जो है वो हमारे पास बॉडी कैविटी है ही नहीं तो उसमें लाइनिंग भी डेफिनेटली नहीं होगी सुडोसिलोमेट्स में कैविटी एग्जिस्ट तो करती है लेकिन जो है वो मिजोडाम कम्प्लीटली उस कैविटी को दोनों साइड से कवर नहीं कर रही होती और सिलोमेट्स में जो है वो मिजोडाम जब सप्लिट होती है तो दोनों साइड से जो कैविटी है उसको कवर करती है ठीक है सप्लिटिंग ऑफ द मिजोडाम अगेन एसिलोमेट्स में नहीं है सूरोसिलोमेट्स में सप्लीटिंग uh, नहीं होती ठीक है बल्कि वो एक ही साइड से इसको लाइन कर रही होती है और सिलोमेट्स में uh, जो है वो प्रॉपर तरीके से जो मिजोडम है वो डिवाइड हो जाती है विजरल लेयर में और पेराइटल लेयर में ठीक है पेराइटल लेयर आउटर बॉडी वॉल को कवर करेगी और विजरल लेयर जो है वो इंटरनल विजरल ऑर्गन को कवर करेगी और इन दोनों के दरमियान एक कैविटी बनेगी जिसको हम सिलोम कहते हैं हमारे पास में प्लेटी में है, में है हमारे पास एनिलेट्स और कॉरडेटा ये हम देख सकते हैं हमारे पास डायग्राम्स हैं ए सिलोमेट्स की आ, आउटर एक्टोडाम है देन ये इनर एंडोडम है और दरम्यान में आपको कोई कैविटी नजर नहीं आ रही ये मिजोडाम है ठीक है अब यहाँ पे आउटर एक्टोडाम और इनर जो है वो एंडोडाम और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मीजोडाम है वो सिर्फ आउटर साइड से उसको कवर कर रही है तो ये ट्रू कैविटी नहीं है लेकिन सिलोमेट्स में आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म प्लस ये आपको जो है वो होके दोनों साइड से इसको कवर कर रही है आउटर पेराइटल लेयर और इनर विजरल लेयर और ये इसमें जो कैविटी प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड ट्रू सिलोम ठीक है और नेक्स्ट जो तो है वो अब हम देखेंगे हमारे पास है जी ओके okay, जी तो अब हम जो है वो अपने फाइलम्स को कंपेयर करेंगे सो so, हमारे पास जो तो सबसे फर्स्ट फाइलम है वो है फाइलम पोरी ठीक है और पोरी फेरा पोरी मीन पोर यानी इनमें सुराख होते हैं और फेरा ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वर्ड का जो मीनिंग है वो है हमारे पास पोर बियरिंग और इनमें नंबर ऑफ स्पीशीज है वो फाइव थाउजेंड है अब जब आप हर फाइलम को इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे ये सब जो आपके पास आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ठीक है ये सब इनके स्ट्रक्चर्स आप कंपेयर करने जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है फूड तो जो है वो इनकी डेट्रिटल डेट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं और साइज जो है उनका फ्यू मिलीमीटर से वन मिलीमीटर तक है सिमिट्री इनकी कोई सिमिट्री नहीं होती दीज आर ए ठीक है और ये अनसेगमेंटेड है इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं है डिप्लोब्लास्टिक है इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनमें सिर्फ दो लेयर्स होती हैं ठीक है और इनके जो एडल्ट्स हैं वो स्टेशनरी है इनका मोड ऑफ लाइफ है एडल्ट्स जो है वो मूव नहीं करते लेकिन लार्वा मोटाइल होता है और जो अपोरी फेरा का या स्पॉन्जिस का लार्वा है उसको हम एमोसीट लार्वा कहते हैं ठीक है देन इनमें बॉडी कैविटी है जिसको हम स्पोंजोसील कहेंगे और फिर इनमें स्केलेटन जो है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होता है जिनको स्पाइक्यूल्स कहा जाता है ठीक है लेयर्स जो है हमने बात की डिप्लोप्लास्टिक है जो इनकी लेयर्स का नाम है वो है पिनेकोडम क्वेनोडम पिनेकोडम आउटर है क्वेनोडम इनर है और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एबसेंट है नर्व सिस्टम एब्सेंट है इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से अक्सर जो है वो एमसीक्यूज आते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ठीक है और ये हर्माफ्रोडाइट हैं यानी एक ही बॉडी में, में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे या इनको हम कहते हैं ये प्रोटेंडरस हैं कि इनमें मेल सेक्स सेल्स जो है दे डेवलप फर्स्ट और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विद दी हेल्प ऑफ बर्डिंग और जो इनमें बर्ड्स बनती हैं इंटरनल बर्ड उनको कहा जाता है गेमयूल्स ठीक है फिर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं साइकन ल्यूकोसिलानिया यूप्लेक्टेला स्पॉन्जिला तो ये सारी हमारे पास जो है ये स्पॉन्जिस की एग्जाम्पल हैं तो आपको इन सब ये इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड स्पेसिफिकली फॉर द सी स्टूडेंट्स ये सारे जनरल करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है इनको डिफरेंट बुक्स से uh, uh, जो है वो कलेक्ट uh, किया गया है नाउ आवर सेकंड फाइलम इज फाइलम नाइडेरिया ठीक है तो फाइलम नाइडेरिया में इसका जो वर्ड का मीनिंग है उनको हम कहते हैं uh, निकला है ठीक है जो साइड्स जो हैं ये इनके स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इसी से इनको नाम दिया गया नाइडेरिया ठीक है ये इनके स्टिंगिंग सेल्स हैं और इनका हैबिटेट एक्वेटिक है यानी पानी में रहती है मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं कार्नी हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं ठीक है और इनका जो साइज है वो माइक्रोस्कोपिक से टू मीटर यानी इतने छोटे भी हो सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से नजर आए और बहुत बड़े भी हो सकते हैं इनमें रेडियल सिमिट्री है बॉडी के अंदर कोई सेगमेंट्स नहीं है ठीक है बॉडी में दो लेयर्स हैं यानी ये डिप्लोब्लास्टिक हैं और ये सब एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स के साथ बताया गया है कि किसका मोड ऑफ लाइफ क्या होगा हाइड्रा तो सी साइल है क्या ये मूव नहीं करता जैसे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है और जेलीफिश दिस वन इज द जेलीफिश जेलीफिश तो है ये हमारे पास फ्री लिविंग है मोटाइल है मूव करती है और ओबिलिया ओबिलिया दिस वन इज ओबिलिया ओबिलिया जो है ये कलोनियल ऑर्गेनिज्म है ये कलोनीज बना के रहता है इनकी जो बॉडी कैविटी है वो एंटीरोन है अगर आप इसको कंपेयर करें स्पॉन्जेस से तो वहां स्पॉन्जो सील थी बट इनमें एक कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं या एंटीरोन कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट के नेम ऑफ द कैविटी फाउंड इन द नाइडेरियंस ठीक है और इनमें हार्ड एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और जो है वो एक्टो और मीजो एंडोडर्म के दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल है जिसको मीजो कहा जाता है ठीक है सिस्टम सिस्टम है है बट नर्वस बट इनमें प्रेजेंट होती हैं यानी या का नेटवर्क प्रेजेंट है बिलो द एपिडर्मिस ठीक है एक्टोडर्म से नीचे एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है इनकी पूरी बॉडी में न्यूरोन्स का रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट करती है यानी इनमें पोलीमॉर्फिज्म है पोलीमीन्स मैनी मॉर्फ का मतलब होता है शेप इनमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती स्टेजेस होती हैं ठीक है और ये स्टेजेस एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं अगर मैं यहाँ पे नाम लूँ पॉलिप और मेडूसा का तो ये इसकी दो स्पेसिफिकली स्टेजेस हैं पॉलिप जो है वो एक न्यूट्रिटिव uh, स्ट्रक्चर uh, है और जो हमारे पास मेडूसा है ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ठीक है एग्जाम्पल्स इंक्लूड द हाइड्रा ओबिलिया और मेड्रीपुरा तो हाइड्रा ठीक है देन ये ओबिलिया है ये हमारे पास और जेलीफिश है और देन है हमारे पास एक्टीनिया सी एनिमल जिसको कहा जाता है ठीक है नाउ आवर थर्ड फाइलम इज प्लेटी हेलमेस तो प्लेटी प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमीन्स का मतलब होता है वर्म्स तो ये फ्लैट वर्म्स हैं ठीक है फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और ये होस्ट यानी कि पैरासाइट के तौर पे भी ये होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं ठीक है फूड यानी ये पैरासाइट भी हो सकते हैं होस्ट की बॉडी में रहेंगे एंडोपेरासाइट हैं, यानी बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं और इनका जो साइज है वो फ्यू मिलीमीटर से वन मीटर तक है ठीक है जैसे कि टेपकॉम आपको नजर आ रहा है इनमें और अनसेगमेंटेड बॉडी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है ट्रिप्लो ब्लास्टिक Now, remember, है नाउ रिमेम्बर जो प्लेटी हेलमेंथिस हैं ये जो है हमारे पास ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक हैं। इनकी बॉडी में तीन लेयर्स है ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम है जिनमें हमें यानी थ्री लेयर्स देखने को मिल रही हैं मोस्टली फ्री लिविंग है और ए सीनोमेट्स इनमें कोई कैविटी नहीं है ठीक है इनका जो स्कैल्टन है वो हाइड्रोस्टैटिक है और यानी फिल्ड विद द वाटर और एक्टो और एंडोडर्म के दरम्यान मीजोडाम यानी ये थर्ड लेयर है अगर आप इसको कंपेयर करें नाइडेरियन से तो वहां पे मीजो जेला था मीजोडर्म नहीं थी ठीक है ना इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है

और जो है वो हर्माफ्रोडाइट बॉडीज होती हैं इनकी मोस्टली और कुछ में सेक्सेज सेपरेट भी हैं एग्जाम्पल्स इनक्लूड द प्लेनेरिया दिस वन इज प्लेनेरिया जिसको हम डिजेस्टिया भी कहते हैं और फिर ये लिवर फ्लूक है ठीक है इसको फेशियोला हेपेटिका भी कहा जाता है इसका साइंटिफिक नेम है टेप फॉर्म है दिस वन इसको सोलियम कहते हैं फिर ब्लड फ्लूक है जिसको हम स्किस्टोसोमा स्किसोम ये इसका साइंटिफिक नेम है ठीक है नाउ आवर नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम निमाटोडा जिनको हम एसकेम बी कहते हैं एसकेल मतलब है का मतलब होता है पॉइंटेड so और हेलमिंस का मतलब होता है पॉइंटेड या राउंडेड हैं ठीक है तो आर राउंडेड और पॉइंटेड एंड हैं इनके और ये सॉयल में यानी लैंड पे भी रहते हैं एक्वेटिक पानी में भी और ये पैरासाइट के तौर पे होस्ट में भी सर्वाइव करते हैं तो इनका फूड जो है नहीं, ये पैरासाइट के तौर पे मोस्टली सर्वाइव करेंगे साइज फ्यू मिलीमीटर से वन मीटर तक है सिमिट्री बायोलेट्रल है बॉडी अनसेगमेंटेड है बॉडी ट्रिप्लो है मोस्टली पैरासिटिक है और इनमें फॉल्स कैविटी है सूडोसिलोंग और इनका भी स्केलेटन हाइड्रोस्टेटिक है ठीक है मिजोडम जो है वो जब सप्लेट होती है तो इसमें विजरल और पेराइटल लेयर्स बनती हैं ठीक है बट इसमें जो है वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से विजरल और पेराइटल लेयर्स नहीं बनती तो जो कैविटी होती है इट इज नॉट प्रॉपरली लाइन बाय द मिजोडाम तो वो फॉल्स होती है फिर इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है और सेंसेशन के लिए इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको पैपिला कहा जाता है ठीक है स्पेसिफिकली अराउंड द माउथ इनमें ये पैपिला प्रेजेंट होते हैं तो माउथ और नोस्टल्स के अराउंड मोस्टली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एग्जाम्पल में है ठीक है ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है देन वर्मिकुलरिस वर्मिकुलरिस पिन वॉर्म है ये सारे साइंटिफिक और कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है थीके? जो हुई इस तरीके से हुई है ताकि वो होस्ट की जो इंटेस्टाइन है उसके साथ अटैच हो सके ना वे है फाइलम एनिलिडा तो एनिलीडा का मतलब होता है स्मॉल लिटल ठीक है एनिलिडा तो ये इनमें लिटल रिंग्स यानी लिटल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या इनको सेगमेंटेड वर्म्स भी कहा जाता है ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और सॉइल में भी ठीक है डैम्प सॉइल यानी जो नमदार सॉइल होगी गीली मट्टी जिसको हम कहते हैं फिर इनमें फूड यानी ये हैं डेट ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं है इनकी बॉडी बॉडी इज मेटामे सेगमेंटेड यानी बॉडी में सेगमेंट्स हैं जैसे ये आपको लीच में सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे डीजा आर ब्लास्टिक यानी तीन लेयर्स हैं ठीक है कुछ फ्री लिविंग है और कुछ पैरासिटिक हैं और इसके अलावा इनमें जो है वो यानी अगर हम मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो लीच जो है ये पैरासाइट है एक्सटर्नल पैरासाइट है अर्थवॉर्म जो है ये फ्री लिविंग है और ये नरीज ये भी एक फ्री लिविंग है ऑर्गेनिज्म ठीक है फिर लोकोमोशन कैसे होती है जी इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं चीटी और सिटी ये नरीज में तो प्रेजेंट है ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ठीक है और जो हमारे पास सॉरी चीटी और सिटी प्रेजेंट होते हैं हमारे पास अर्थवॉर्म में और जो पेरापोडिया है ये है पैरापोडिया ये नरीज में प्रेजेंट है तो नरीज में पेरापोटिया है चीटी और सीटी अर्थवर्म में है और लीच में जो है वो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते बॉडी कैविटी इन ट्रू सिलोम प्रेजेंट है ठीक है तो अब हमें एनिड्स में ट्रू सिलोम देखने को मिल रही है इनका स्केलेटन हाइड्रोस्टेटिक है और जो है वो बॉडी में क्या होते हैं सेगमेंटली अरेन्ज नेफ्रीडिया हैं उनके एक्सक्रीशन के लिए तो नेफ्रीडिया इनके एक्सक्रीटरी हैं तो बॉडी के हर सेगमेंट में अरेंज अगर हम अर्थफॉर्म की बात करें तो अर्थफॉर्म की बॉडी में हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वेरी फर्स्ट टाइम अगर आपको एमसी क्यू ज्यादा है कि सबसे पहले जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में ऑब्जर्व किया गया था तो आप कहेंगे राउंड वॉर्म्स हैं ठीक है सॉरी रिंग वार्म हैं यानी एनिलिड्स हैं ठीक है तो वेरी फर्स्ट टाइम द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाज़ ऑब्जर्व और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वी नो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है नर्वस सिस्टम इनमें वेल डेवेलप्ड है ठीक है और हम ये देख चुके हैं कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम प्लेटी हेलमिनथिसम्स में डिस्कवर हुआ था रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है और एग्जाम्पल्स में है नरिस अर्थ और लीच ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा का मतलब होता है फीट यानी फीट यानी इनमें जॉइंटेड जॉइंटेड हैं हैं या लेग्स होती ठीक है, है तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जॉइंटेड लेग्स हैं यानी लैंड पे भी हैं वाटर में एयर में हर तरह के एनवायरमेंट में ये एग्जिस्ट करते हैं आर्थ्रोपोर्ट्स और स्मॉल प्लांट्स के ऊपर फीडिंग करते हैं या एनिमल्स के ऊपर ठीक है बायोलेटल इनकी भी स्विट्री है और बॉडी में सेगमेंट्स हैं ठीक है बॉडी सेगमेंटेड है और क्यूटिकल प्रेजेंट होती है बॉडी पे ठीक है एक्सोस्केलेटन होता है इनमें और एक्सोस्केलेटन में क्यूटिकल है ट्रिप्टो है इनमें थ्री लेयर्स होती हैं और ये स्विम भी कर सकते हैं फ्लाई भी कर सकते हैं क्रॉल यानी जो लैंड पे है जमीन पे है वो क्रॉलिंग करते हैं ज्यादा फ्लाई करते हैं जो एनवायरमेंट में ठीक है होते हैं और स्विमिंग जो स्पेसिफिकली वाटर में है फिर इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको हीमोसील कहा जाता है और इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है कि इनकी जो बॉडी कैविटी है उसका नाम कोई सिलोम नहीं है बल्कि इसको हीमोसील कहा जाता है क्योंकि इनकी सिलोम में ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी वजह यह है कि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता आर्च्रोकोर्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और इनका जो ब्लड है इनकी सिलोम में ही फ्लो कर रहा होता है तो इसको हीमोसील कहा जाता है ठीक है और इनका जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है बॉडी से बाहर होता है और इनका जो स्केलेटन है वही इनकी ग्रोथ में भी रुकावट बन रहा होता है जिसकी वजह से ये इनका एक जो है वो तरीकाकार ये है कि ये अपनी एक्सोस्केलेटन की शेडिंग करते हैं जिसको हम इक्टाइसिस और मोल्टिंग कहते हैं ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है जिसको हम पहले ही देख चुके हैं जिसकी वजह से इनमें हिमोसील है और इनमें रेस्परेशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं या आर्थ्रोपोल्स हैं उनमें तो गिल्स हैं लेकिन जो टेरिस्ट्रियल हैं जो जमीन पे रहते हैं उनमें ट्रैकिया प्रेजेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमें पता है कि ट्रैकिया जो है वो ह्यूमंस में है ठीक है बाकी एनिमल्स में है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है इसको जरूर हाईलाइट करें कि ट्रैकिया जो है वो आर्थ्रोपोर्ट्स में भी होता है रेस्परेशन के लिए नर्वस सिस्टम इनका वेल डिवेलप नर्वस सिस्टम है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें मिल गया जी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं और इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इनकी जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं आर एसोसिएटेड विद देयर डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए जी कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कहेंगे कि वो आर्थ्रोपोड्स में है और इनमें जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रास्ते में ही आती हैं ठीक अच्छा है देन इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्टली ये सेक्सुअल है और इनमें होती है अच्छा जी इसका क्या मतलब है यानी ये शेप चेंज करते हैं जब इंसेक्ट्स का हमें पता है लार्वा बनता है तो लार्वा जो है वो अपनी शेप चेंज करते हैं और फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं मेटामोरफोसिस एग्जाम्पल्स में है डेफनिया साइक्लोप्स क्रैब्स लॉबस्टर्स प्रॉन उस ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो सीसी फ्लाई बटरफ्लाई मूथल सेंटीपीड्स मिलीपीड्स तो ये हमारे पास सेंटीपीड्स हैं ठीक है थीके? उसके अलावा ये सारे ऑर्गन आपको नजर आ रहे हैं इस पर फ्लाई ग्रास ओपर बटरफ्लाईज एंड ऑल दैट ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइलोल फाइलम मोलस्का जो है दीज आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स और इनकी बॉडी के बाहर भी एक शेल होता है ठीक है तकरीबन इनकी फिफ्टी थाउजेंड स्पीशीज़ हैं और इनका जो हैबिटेट है एक्वेटिक पानी में भी रहते हैं मोस्टली और सॉइल uh, जो हमारे पास मॉइस्ट सोइल होगी वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं और इसके अलावा इनमें जो है ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स uh, पे फीड करते हैं प्लांट्स uh, वगैरह को भी कंज्यूम करते हैं या बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी फ्यू मीटर से लेके फिफ्टीन मीटर्स तक इनकी साइज़ की रेंज है है बॉडी अनसेगमेंटेड है इनमें थ्री लेयर्स ट्रू सिलोम होती है एक्सोस्केलेटन भी है इन द फॉर्म ऑफ शेल और एंडोस्केलेटन भी है और जो इनका एंडोस्केलेटन है वो एक तरह से एक कैविटी होती है ठीक है और देन इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है रिमेंबर इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है एक्सेप्ट वन क्लास और उस क्लास का नाम क्या है जिस फेलोपोडा सिफेलो आपको सी से इसको याद रख रहे हैं कि सी मीन्स क्लोज तो सिफेलो में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बाकी सब में ओपन सिस्टम है और अगर इससे पहले आप कंपेयर करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं आर्थ्रोपोड्स में ओपन होता है और एनिलिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इनमें हाईली डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है और रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली सेक्सुअल होती है सेक्सेस भी सेपरेट होते हैं एग्जाम्पल्स जो है इनमें स्नेल ठीक है जैसे ये आपको यहाँ पे एक गार्डन स्ने नजर आ रहा है स्लज है मेराइन मसल है ठीक है देन फ्रेश वाटर मसल है ऑइस्टर है हमारे पास है ठीक है ये ऑक्टोपस है और कटल फिश है और कटल फिश कटल फिश के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कटल फिश एक फिश है ये किसी और फाइलम से बिलोंग करती है तो आप देख रहे हैं कि कटल फिश जो है इट्स नॉट अ फिश ये एक मोलस्क है ठीक है सो नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास पासा इकाइनो का मतलब होता है जी स्पाइनी स्पाइनी और डर्मा का मतलब होता है स्किन तो ये स्पाइनी स्किन एनिमल्स हैं विद स्पीशीज और मेराइन एनवायरमेंट में है ज्यादा और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन ठीक है अगर आपको पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्सक्लूसिवली मेराइन के जो सिर्फ और सिर्फ मेराइन हैबिटेट में रहते हैं तो ये होगा हमारे पास इकाइनोडरमेटा ठीक है इनमें ऑर्गेनिक फीडिंग होती है इनकी अच्छा एक आ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हमारे पास कि इकाइनोडरमेटा वो बहुत फाइलम है जिसमें दो तरह की सीमिट्री एग्जिस्ट करती है इनके जो एडल्ट हैं उनमें रेडियल सिमिट्री है और जो इनके आ, लार्वा होता है उसमें बायोलेट्रिमिट्री होती है दिस पॉइंट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फिर ये ट्रिपलो है अगेन और फ्री मूवमेंट भी होती है या कुछ सबस्ट्रेट से अटैच भी होते हैं ठीक है है इनके अंदर एंडोस्केलेटन इनमें होता है प्लस इनका जो एंडोस्केलेटन है ना उसका ओरिजिन से हुआ है ठीक है और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है नर्वस सिस्टम भी पुअरली डेवलप्ड है ठीक है कोई ब्रेन वगैरह नहीं होता माउथ के अराउंड सिर्फ एक नर्व रिंग प्रेजेंट होती है ठीक है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और इनमें जो लार्वा बनता है उसको हम बायपिन लार्वा या ब्रेक्योलेरिया लार्वा कहते हैं ठीक है और ये लार्वा इनका रिजेंबल करता है कॉर्डेट लार्वा से एग्जाम्पल्स है हमारे पास स्टारफिश वन इज स्टारफिश ये हमारे पास ब्रिटल स्टार है दिस वन इज सी क्यूकम्बर और सी अर्चिन ठीक है ये हमारी एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट है जी फाइलम हेमिकॉर्डेटा जिनको टांग वम्स भी कहा जाता है ठीक है तो ये सब कोर्डेट्स हैमी कोर्डेट्स कोर्डेटा का मतलब कोर्डेट्स और हैमी मींस ये सब कोर्डेट्स हैं यानी बिफोर कोर्डेट्स हैं इनका हैबिटेट एक्वेटिक भी है यानी स्पेसिफिकली मिराइन एनवायरमेंट में रहते हैं बायोलेटोल इन की सिमिट्री है और इनकी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है द प्रोबोसिस ठीक है फिर ये कॉलर है और ये पूरा उसका ट्रंक तो प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक ट्रिपल प्लास्टिक है विथ थ्री लेयर्स ठीक है बॉटम डेवलपर्स होते हैं मेराइन एनवायरमेंट में बॉटम में ज्यादा सर्वाइव करते हैं इनमें एंडोस्केलेटन होता है सर्कुलेटरी कॉर्डेट से रिजेंबलेंस शो करता है ठीक है एग्जाम्पल्स है हमारे पास पेलानोग्लोस एंड सेकोगलोस सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर कंप्लीटली वे गोइंग टू है लुक ऑन द ओके okay, जी तो अब हमारे पास इन वर्टिट कम्पेरिजन का पूरा एक टेबल है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है जी इसमें ऑलरेडी हम इनको देख चुके हैं किंगडम एनिमेलिया को टिश्यू लेवल की बेस पे यूमेटाजोआ और पैराजो में डिवाइड किया गया है पैराजो में फायरम पोरीफेरा है और ये सब उसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम मोस्टली देख चुके हैं और देन हम इनको अगेन अभी जो है वो देखेंगे एंड यूमेटाजोआ में जो है इनको फर्दर सिमेट्री की बेस पे रेडिएटा और बायलेटेरिया में डिवाइड किया गया है रेडिएटा में जो है वो सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरियम फाइलम आता है और उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं विद एग्जाम्पल्स ठीक है और देन हमारे पास जो है वो बाइलेटेरिया इसको जो है वो फर्दर दो के, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सिलोम की प्रेजेंस की वजह से एसिलोमेट्स जिसमें फायलम प्लेटिकल मिथिस है सुडोसिलोमेट्स हैं एसकेमिथिस और सिलोमेट्स हैं

फिर मिजोडाम इनमें जो है वो एबसेंट एक्ष, एक्ष, होती है और स्पोजोसिल कहती है ओस्टिया ओस्टिया जो है इनके वो पोर्स होते हैं जहाँ से आ, एंटर होती हैं चीजें अंदर ठीक है वाटर अंदर एंटर होगा एडल्ट सिसाइल हैं कोई नर्वस सिस्टम नहीं है स्पाइक्यूज की फॉर्म में स्केलेटन है ए सेक्सुअल रिपोर्डक्शन बर्ड इनके जरिए हो रही है इंटरनल बर्ड्स आर गेम्यूल और ये प्रोट एंडरस हैं ठीक है ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये सब इनकी एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट है रेडिएटा ठीक है तो रेडिएटा में फाइलम नाइडेरिया है इनमें जो सेल्स होते हैं उनको स्निडोसाइड्स कहा जाता है इनमें गेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है पॉलिप्स हैं जो कि न्यूट्रिटिव हैं इनको गेस्ट्रोजोइड्स भी कहा जाता है और मैं जो है ये फ्री स्विमिंग है और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ठीक है नर्वस सिस्टम नेटवर्क की फॉर्म में है नो सेंटर नर्वस सिस्टम ये सिसाइल भी है होते हैं आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें एग्जिस्ट करती है और पोलिमार्फिज है ठीक है देन हमारे पास है जी प्लेटी की प्लेटीह के पैरासिटिक मोड है इनका और सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इनमें जो है वो एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स हैं वेल डेवलप्ड नवर सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है फिर ये हर्माफ्रोडाइट है और दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ठीक है देन नीमा है हैं कि इनके एंड है वो पॉइंटेड हैं और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका इसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम भी कहते हैं ठीक है पैरासाइट्स हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है ठीक है नर्व रिंग है पेपिला इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं और देन दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ठीक है बाकी स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी हम इनको पहले डिस्कस कर चुके हैं तो ये ओवरऑल एक कंपैरिजन है जस्ट इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स का इनमें से हम तकरीबन हर करेक्टरिस्टिक आपके टेबल्स के अंदर सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं जाय जी आ, अब तक तो जो है वो हमने स्टडी किया हमारे पास जो यूमेटाजोवा और बायलेटेरिया जो है इनको हमने ए सिलोमेटा और सुडोसिलोमेट्स में डिवाइड किया था तो सिलोमेट्स जो है इनको अब हम डिस्कस करने लगे हैं आ, विद प्रोटीरोस्टोम्स एंड ड्यूटीरोस्टोम्स तो प्रोटीरोस्टोम्स में ये तीन फाइलम्स हैं एनिलिडा जो है इनमें बॉडी इनकी सेगमेंटेड है प्रोटोस्टोमियम होता है ये माउथ के आगे एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोस्टोमियम ठीक है एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया है नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है सिस्टम है मसल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए सीटी हैं चीटी हैं या पैरापोडिया हैं ठीक है देन हमारे पास जो आर्थ्रोपोडा है इनमें बॉडी सेगमेंटेड है अपेंडेज होते हैं क्यूटिकल होती है हीमोसील है देन ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स यूज है फॉर द एक्सक्रीशन हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है ट्रैक्रिया है फॉर द रेस्पिरेशन इनका ब्लड जो है वो कलरलेस है इनमें एक्सोस्केलेटन है और सेक्सिस इनके जो है वो सेपरेटेड हैं ठीक है थीके? और देन हमारे पास है जी फाइलम मोलस्का तो फाइलम मोलस्का को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनके जनरल सो फाइलम मोलस्का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है इनवर्टिबेट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है जिसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ मेंशन किया गया है सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है इनवर्टिबेट्स का और देन हमारे पास इन्वर्टिबेट का जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है वो आर्थ्रोपोड्स आर्थरो फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा है और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो इनवर्टिबेटा है और इनमें मेंटल कैविटी होती है रेडुला ये टंग है इनकी ठीक है और डाइजेस्टिव सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स की फॉर्म में है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है एक्सेप्ट सिफेलोपोडा क्लास ठीक है एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया की फॉर्म में है और नर्व के लिए यानी नर्वस सिस्टम जो है इसमें थ्री पेयर्स होते हैं गैंगलिया के एक इनके हेड में एक इनके फुट में और एक इनके जो है वो मेंटल या विजरल कैविटी में और देन हमारे पास जो तो है वो ड्यूटी स्टोम है इनको फर्दर तीन फाइलम्स में डिवाइड किया गया है इकाइनोमेटा हेमिकोरेटा और कोरडेटा तो हमारा जो मेन फोकस है अब हमारे पास जो तो है वो क्लासेज हैं फाइलम एनिलीडा की क्लासेज हैं आर्थ्रोपोडा की क्लासेज हैं मोलस्का की हैं ये जो जटन करेक्टरिस्टिक्स यहाँ मैं हुई है ये आप टेबल्स के अंदर ऑलरेडी हर पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट ठीक है और विद एग्जांपल्स बट अब हमें यहाँ पे जो काम करना है वो ये है कि हर फाइलम uh, की जो फर्दर क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है उन क्लासेस के करेक्टरिस्टिक्स विद एग्जाम्पल्स आपको डिटेल में जो है वो समझने हैं सो so, सबसे पहले फाइलम मोलस्का जो है उसकी तीन क्लासेस हैं गैस्ट्रोपोडा बायोवाल सिफेलोपोडा तो गैस्ट्रोपोर्ट्स की बात की जाए तो इनमें एक ही सिंगल पीस है शेल का ठीक है सिंगल शेल इनमें प्रेजेंट होता है और इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल है कोई बॉडी में स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं है और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें जी हमारे पास गार्डन गार्डन स्नेल और स्लच ठीक है तो ये एक हमारे पास गार्डन स्नेल की एग्जाम्पल है नेक्स्ट है बाय वॉल्व या बाई का मतलब होता है जी टू ठीक है और वॉल्व यानी दो वॉल्व होते हैं इनका जो शेल है ना उसमें टू पीसीस होते हैं तो टू पीस शेल है इनका और इनकी सिमेट्री बायोलेट्रल है गैस्ट्रोपोर्ट्स की एसिमेट्रिकल है ठीक है और इनमें सिंगल पीस शेल है देन इनमें प्लेट लाइक गिल्स होते हैं और इसमें एग्जाम्पल्स हैं मेराइन मसल फ्रेश मोटर मसल एंड ऑयस्टर ठीक है तो ये हमारे पास जो तो है ये एक मेराइन मसल की एग्जाम्पल है और जो ऑयस्टर्स uh, हैं इनसे हमें पर्ल्स मिलते हैं ठीक है देन है जी सिफेलोपोडा ये थर्ड क्लास है और इनमें भी बायो इलेक्ट्रिक होती है लेकिन सिफेलो के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं एक तो ये कि इसमें जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बाकी सब क्लासेस में ओपन है बट सिफेलोपोडा में क्लोज सिस्टम है और प्लस इसमें शेल जो है वो एबसेंट होता है शेल इनका रिड्यूज है ठीक है और एग्जाम्पल्स हैं लॉलिगो सिपिया एंड ऑक्टोपस तो ये हमारे पास ऑक्टोपस है ठीक है तो इन सब के करेक्टरिस्टिक्स को आपने कंपेयर करना है अच्छे तरीके से प्लस हर क्लास में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको जहन में रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए देन आ जाए जी फाइलम एनिलिडा है उनकी क्लासेस को हम देखेंगे तो पहली क्लास है पॉलीचीट देन ऑलीगो चीट एंड देन पॉली पॉलीचीट में जो है इनमें हेड विद आइस ठीक है हेड प्रेजेंट है और uh, इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले नरीज और केटोपोटेरस तो ये हमारे पास नरीज है इनका जो हेड होता है इसमें आईज होती हैं ठीक है थीके? और पेल्ब और आइज ये इनके सेंसरी स्ट्रक्चर हैं इनमें सेक्सेस सेपरेट हैं लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया ये जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर पैरापोडिया फॉर द लोकोमोशन ठीक है देन हमारे पास जो है वो सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास जो है वो है ओलिगो ठीक है और ओलिगो चीट अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल में आता है लम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिस और इसके अलावा फेरेटिमा पोस्थोमा और अर्थफॉर्म ठीक है तो ये अर्थफॉर्म की डायग्राम है अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं कि इनमें लोको मोशन के लिए सिटी प्रेजेंट है हेड प्रोमिनेंट नहीं है इनका आपको हेड कहीं प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रहा है और ये हारमाफ्रोडाइट है यानी एक ही बॉडी में इनके दोनों सेक्सिस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। थर्ड क्लास है एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो इसमें लीच की एग्जांपल है और हीरोडो ये एक लीच का जो है वो साइंटिफिक नेम है ठीक है मेडिकल इंपॉर्टेंस है हमारे पास लीच की बहुत ज्यादा इनकी बॉडी में फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं और कितने सेगमेंट्स हैं टोटल थर्टी फोर सेगमेंट है इनकी बॉडी में ठीक है और इनमें जो सेगमेंट्स हैं उनको एन्यूलाई यानी रिंग्स की हेल्प से डिवीजन हुई हुई है तो एन्यूलाई रिंग्स होती हैं इनमें ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन नहीं है ये भी हर्माफ्रोडाइट है कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता और एक और इंपॉर्टेंट चीज लीच जो है उसमें एंटी कोएगुलेंट सिक्रीशन करती है लीच जो है वो एक्सटर्नल पैरासाइट है और जब ये अपने पैरासाइट से ब्लड को सक करती है तो उसकी बॉडी में एक एंटी को केमिकल रिलीज करती है जिससे कि जो होस्ट होगा उसका ब्लड उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती उसका जो खून है वो जमता नहीं है ठीक है तो अब इन तीनों को आपने अच्छे तरीके से इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर करना है और हर क्लास की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जहन में रखना है नैन है फाइलम आर्थ्रोपोडा पायलम आर्ट्रूट पोडा की हमारे पास यहाँ पे चार क्लासेस मेंशन की गई हैं क्रस्टेशी इंसेक्टा आरक्नीडा और मायरिया पोडा तो जो क्रस्टेशियंस हैं इनके एग्जांपल्स को देखते हैं डेफनिया साइक्लोप्स लॉबस्टर्स प्रान वुड ठीक है ये हमारे पास लॉबस्टर्स हैं और इनके करेक्टरिस्टिक्स में कि इनके पास जो है वो टू पेयर्स ऑफ एंटीना है जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं इनके पास टू पेयर्स ऑफ एंटीना है ठीक है और ये एक अपर है और एक इस तरीके से यहाँ पे ये लोअर है तो वन पेयर ऑफ मैंडिबल है ठीक है अपर वन पेयर ऑफ मैंडिबल टू पेयर्स ऑफ मैग्जिला है इनके पास ठीक है यानी लोअर जो और सेक्सेस इनमें सेपरेट हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स uh, हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि कितने नंबर ऑफ मैंडिबल्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मैग्जिला और हाउ मेनी नंबर ऑफ और यू कैन से पेयर्स ऑफ एंटीना आर प्रेजेंट तो इनके जो पेयर्स हैं इनके नेम और इनके नंबर्स बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं देन है क्लास इनसेक्टर जिसमें एग्जाम्पल्स है ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो बटरफ्लाई मूथल्स ठीक है सो so, इनमें वन पेयर ऑफ एंटीना है तो क्रस्टेशन में टू पेयर बट इंसेक्टा में वन पेयर और इंसेक्टा की एक और प्रॉपर्टी है कि इनमें कंपाउंड आइस प्रेजेंट होती हैं। और सेक्स हैं। है और सेक्सिस इनमें सेपरेट है देन है रेक्निट्स जिसमें एग्जाम्पल्स हैं स्कॉर्पियंस स्पाइडर्स टिक्स तो so, ये हमारे पास एक स्पाइडर है और इनमें टू पेयर्स ऑफ पेडी पैल्प हैं ठीक है टू पेयर ऑफ पेडी पैल्प है यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं माउथ के अराउंड फोर पेयर्स ऑफ लेग्स हैं जैसे आपको नजर भी आ रहा है एंड और कोई एंटीना नहीं है एरेक्निट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे आर हैविंग नो एंटीना नो जॉल ठीक है और इनमें रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स हैं एरेक्निट्स की ये प्रॉपर्टी है कि इनमें रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स प्रेजेंट हैं ठीक है और इनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट है देन है मायरिया पोर्डा तो इसमें एग्जांपल्स हैं सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स। ठीक है तो so ये हमारे पास एक मिलीपीड है और इनमें वन पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है और वन पेयर ऑफ एंटीना ठीक है एक पेयर ऑफ एंटीना है इनके पास तो so ये इनकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं सो so, नेक्स्ट है हमारे पास सी ड्यूटीरोम्स में इकाइनोडरमेटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे इकाइनोडरमेटा में एग्जांपल्स हैं एस्टेरियस यानी स्टारफिश ठीक है इसका साइंटिफिक नेम है सी एचिज हैं और सी क्यू हैं तो ये हमारे पास एक स्टार फिश है इनके करेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं बॉटम ड्वेलर्स हैं मेराइन एनवायरमेंट में रहती है एक्सक्लूसिवली मेराइन है ठीक है माउथ जो है वो बॉडी की लोअर सर्फेस पे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका और एनस बॉडी की अपर सर्फेस पे है ठीक है माउथ ऑन द लोअर सर्फेस एंड एनस ऑन द अपर सर्फेस लार्वा इनमें एग्जिस्ट करता है और इनके लार्वा का नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं बाइपिन लार्वा है ठीक है इनमें एक सीव लाइक -like प्लेट होती है जिसको मेड्रीपोराइट कहा जाता है यहाँ पे ठीक है और इसी मेड्रीपोराइट से ही वाटर की एंट्री वगैरह हो रही होती है क्योंकि इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है में वॉटर वोस्कुलर सिस्टम है ठीक है और इनमें कोई ब्रेन नहीं है नर्व रिंग प्रेजेंट है सेक्सिस सेपरेट है ठीक है देन है हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा में ब्लैनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस ठीक है और इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी इनमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों की करेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि ये हेमिकॉर्डेट है ठीक है लोअर कॉर्डेट्स हैं तो या इनको प्री कॉर्डेट्स भी कहा जाता है बॉडी के तीन पार्ट्स हैं प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक है सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट है रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए करते हैं सब एपिडर्मिस से नीचे नर्व फ्लैक्सिस प्रेजेंट है इनमें है? है so, जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं ये कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म है ठीक है मैमल है कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म है इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सेंटर नर्वर सिस्टम डोरसल है इनका ठीक है uh, यहाँ पे सेंटर नर्वस सिस्टम डोरसल है विद ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड और इनमें पेयर्ड गिल्स प्रेजेंट है ओनली इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ कॉर्डेट्स को हम अपने इनशाला जो हमारा टॉपिक होगा वर्ड कंपैरिजन का उसमें डिटेल से हम इनके सारे जो इनकी क्लासेस हैं फाइलम कॉर्डेटा डेटा की तो उनको डिटेल से इनका कंपैरिजन करेंगे उनको फर्दर जो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है उनको भी हम देखेंगे ठीक है तो वी हैव डन विद द जेंडर करेक्टरिस्टिक्स जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने टेबल की फॉर्म में पढ़ी हर फाइलम के अलग अलग देन हमने उनके फॉर्म एंड फंक्शन को पढ़ा ठीक है सॉरी uh, हमने उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन प्लस फॉर्म एंड फंक्शन को पढ़ा और ये हमने सेपरेटली उनके जो हमें जो है वो एक चार्ट की फॉर्म में दिखाया गया था जिसमें हमने कंपेयर किया सबकी क्लासेस को फर्दर यानी ये उसकी क्लासिफिकेशन हो गई और विद उनकी एग्जांपल्स और उनके करेक्टरिस्टिक्स जो कि उनके फॉर्म एंड फंक्शन को कंपेयर करते हैं अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास पेपर से लिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए यहाँ पे न्यू ऐड किए गए हैं फॉर योर एक्सपेक्टेड एग्जाम्स। नंबर एग्जामो प्लास्टिक एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट नाइडेरियंस ठीक है एंड नंबर टू से डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन बाय नाइडेरियंस एंड फ्लैट नंबर थ्री हाउ मेनी जॉर्म लेयर्स आर फाउंड इन स्पॉन्जेस तो स्पॉन्जिस में कोई जर्मल नहीं है एबसेंट नंबर फोर ऑल डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल ठीक है एंड सिलोम इज स्पेस बिटवीन सेपरेट द्यूजोरम यानी जब म्यूजोरम डिवाइड होगी तो जो कैविटी बनती है उसको हम सिलोम कहेंगे When है जी नंबर सिक्स व्हाट इज द स्पेशल नेचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा तो कैनाल सिस्टम जो है स्पेशल नेचर है फाइलम पोरीफेरा की

निमेटोसिस्ट टेक पार्ट इन निमेटोसिस्ट जो है ये हमें पता है ये स्टिंगिंग सेल्स हैं तो ये लोकोमोशन में ऑफेंस uh, और डिफेंस में और फूड कैप्चर में इन्वॉल्व होते हैं तीनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये स्निडोसाइड स्टिंगिंग सेल्स हैं ठीक है और ऑलमोस्ट थर्टी काइंड के होते हैं स्निडोसाइड्स उनमें से एक टाइप जो है उसकी निमेटोसिस्ट है और ये नाइडेरियंस में प्रेजेंट है नंबर नाइन कोराल बिलोंग टू द फाइलम

नंबर 19 एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्लैट वर्म्स कंसिस्ट्स ऑफ फ्लेम सेल्स यानी इनमें नेफ्रीडिया है विद द फ्लेम सेल्स नंबर 20 सिरोसिलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसील नंबर 21 व्हिच वन इज नॉट अ पैरासाइट वो है हमारे पास डजेसिया प्लेडरिया एक पैरासाइट नहीं है नंबर 22 इन प्रोटिरोस्टोमिया एंड डिटिरोस्टोमिया रेस्पेक्टिवली क्लीवेज इज

स्पायरेकल एंड ट्रैकिया ग्रास होपर्स इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करते हैं और इनमें रेस्पायरेशन के लिए नोस्टल्स की तरह स्पाइरेकल्स वर्क कर रहे होते हैं और जो है उनके पास ट्रैकिया ये इनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है नंबर ट्वेंटी सिक्स सिंगल पेयर ऑफ एंटीना इज फाउंड इन इंसेक्ट्स ठीक है नंबर ट्वेंटी सेवन लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल इज सक्ट नंबर ट्वेंटी एट अपेंडेज ऑफ नरीज आर

ये टॉपिक डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर द एफ एस सी स्टूडेंट ठीक है इसका मेटीरियल जो है वो आपकी पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है सिंध की बलूचिस्तान की हैबर पख्तूनख्वा की इन सब से जो है वो समराइज किया गया है सारे पॉइंट्स डिफरेंट बुक से उठाए गए हैं ठीक है और जो है वो अगर आप इन स्लाइड्स को और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें समझ लें और मेमोराइज कर लें सो यू रियली डोंट नीड टू स्टडी एनी अदर बुक ठीक है तो ये आपके जो इनवर्टिब्रेट फाइलम्स हैं जितने भी और उनका जो जनरल इंट्रोडक्शन है ठीक है उनकी जो डिविजन है ये सब आपकी इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर की गई है और प्लस इसको जो है वो आप तैयार कर सकते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट और एफएससी अगर आप मेडिकल की किसी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं या अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एम कैट के टेस्ट के लिए नम्स टेस्ट के लिए ठीक है एएफएनएस के टेस्ट के लिए तो आपने मेडिकल की किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना हो तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत फ्रूटफुल जो है वो इनशाला प्रूव होगी एज वेल एज जो कम्पेटिटिव एग्जाम्स हैं यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स हैं लाइक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल एफ पी एस सी है देन के पी पी एस सी है देन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है तो कम्पटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है वो आप इनको इजिली प्रिपेयर uh, कर सकते हैं ठीक है so this video would be very helpful for all the students so inshallah hum hazir honge apni jo next video hai jisme hum vertebrates ko detail mein uh, compare karenge theek hai aur wo bhi inshallah bahut achhi hogi different books se uska bhi material collect kiya jayega और एक जो है वो detail explanation होगी आपके पास आपके vertebrates की और invertebrates की ठीक है so until then अल्लाह हाफिज